नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन किया है मेरे थंबनेल को देखकर, और मैंने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है फ्रेंड, हाउ टू अनलॉक सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो अगर आप लोग भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो फ्रेंड, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप पहला सर्विस सेंटर कभी नहीं जाओगे। दूसरा, इस वीडियो में हम वो मेथड बताएंगे फ्रेंड, जिस मेथड को सर्विस सेंटर वाले कभी आपको न बताते हैं न दिखाते हैं। आप अपना सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन जब आपका इस तरह से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, 99% बंदे क्या करते हैं, सर्विस सेंटर अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास, क्योंकि वो जानते हैं वहाँ पर पैसा देने के बाद, समय और डाटा देने के बाद हमारा फ़ोन अनलॉक होगा। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको पता नहीं है, सर्विस सेंटर वाले डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देते हैं, और वो जब अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करते हैं तो देखते हैं मेरा एक भी डाटा नहीं है, तो उनको लग जाता है शॉक, ये क्या हो गया। लेकिन ये बात सच है, सर्विस सेंटर जाओगे पैसा लगेगा, समय लगेगा, डाटा लगेगा, और फ़ोन में क्या करेंगे कभी नहीं दिखाएंगे, आपके पीठ पीछे सारा काम होगा। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड, हम आपको फ्रंट पे दिखाएंगे क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और सिखाएंगे भी आपको कि कैसे आप अपना सैमसंग मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप अपना सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हो। चाहे वो न्यू मोबाइल है या ओल्ड मोबाइल है, न्यू मॉडल है या ओल्ड मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। बस इस मेथड को आप भी फॉलो करो, लेटेस्ट मेथड है, 2024 का लेटेस्ट मेथड है, लेटेस्ट कोड है इसमें, जिस कोड की मदद से आपका पासवर्ड, पैटर्न, पिन जो भी होगा वो रिमूव होगा फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुंचता रहे। सबसे पहले जब आप ऐसे स्वीप अप करोगे अपने सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में, आपने अपना फ़ोन में लगाया पासवर्ड तो यहाँ पासवर्ड शो कर रहा है। अगर पैटर्न लगाते तो पैटर्न शो करता, पिन लगाते तो पिन शो करता। ये कोई नहीं सोचेगा कि आपका फ़ोन करने वाला डायलेड है, नहीं, ये आपका पासवर्ड वाला डायलेड है। तो आप जैसा कि देख सकते हो फ्रेंड कि इस पेज में हमको वर्क करने के लिए कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सिवाय इमरजेंसी कॉल के, जो आपको जीरो के नीचे दिख रहा है यहाँ पे इमरजेंसी कॉल। इस इमरजेंसी कॉल का मदद लेना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। और जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे फ्रेंड कि आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन हुआ है। इस न्यू डायलेट में आपको सबसे पहले ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड का इस्तेमाल करना है, ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड, जिस कोड के मदद से आपका दो दो प्रॉफिट होगा। पहला प्रॉफिट ये होगा फ्रेंड कि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है वो ऑटोमेटिकली तरीके से रिमूव होगा। दूसरा, जो भी आपके फ़ोन में डाटा है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जो भी डाटा है फ्रेंड, ऑडियो, वीडियो, फैमिली फ़ोटो, फैमिली वीडियो, जो भी है वो डाटा टोटल का टोटल रिकवर होगा सिर्फ इस कोड के मदद से। तो ये कोड देने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि इस कोड को आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है फ्रेंड, क्योंकि इस कोड के अंक के साथ अगर एक भी अंक डिजिट गलत हुआ तो ये कोड आपका फ़ोन में वर्क नहीं करेगा और आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो फ्रेंड कोड ध्यान देना, सारा खेल कोड पे होगा फ्रेंड, आप देखोगे सारा खेल कोड पे होगा। स्टार के जगह यहाँ हैज होगा फ्रेंड, 986 हम हटाएंगे और हैज लगाएंगे, उसके बाद 986 लगाएंगे और स्टार और हैज लगाएंगे। ये जो कोड मैंने अभी अभी आपके डायलेट पे डायल किया फ्रेंड, इस कोड को आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, क्योंकि इस कोड के मदद से आपका ईमेल जीमेल ब्रेकअप होगा, दूसरा आपका टोटल का टोटल डाटा रिकवर होगा, जो सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा और समय लेने के बावजूद भी आपको नहीं करके देते हैं। तो इस कोड को आपको 7 times कॉल करना है। डायलेट पे कोड डायल करने से आप देख सकते हो ये कोड तो वर्क नहीं कर रहा है फ्रेंड, इसको वर्क कराना पड़ता है। तो आपको 7 times कॉल करना है, ओनली 7 times। कैसे करना है ये भी हम आपको बताते हैं। जब कॉल पे क्लिक कीजिएगा, कॉल फील्ड द नंबर इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आएगा, उसको कर लीजिएगा ओके, ये हो चुका 1 time। इसी प्रकार 7 times करना है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। 7 times जब आप इस कोड को कॉल कर लेना फ्रेंड, इस कोड को एक एक करके हटा लेना। और मैं दोबारा से ये बात बोल रहा हूँ कि इस कोड को कहीं लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत सारे सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ऐसा होता है कि ये कोड एक बार कॉल करने से गायब हो जाता है। तो अगर आपके ही फ़ोन में गायब हो जाएगा, तो अगर आप लिख के या स्क्रीनशॉट करके रखोगे तो आप उस कोड को देख कर 7 times डायल कर 7 times कॉल कर सकते हो फ्रेंड। तो अब हम इस कोड को हटाते हैं एक एक करके।
उसके बाद अब आपको हार्ड रिसेट ऑन कोड का इस्तेमाल करना है, जिस कोड के कारण सैमसंग मोबाइल का कोई भी लॉक हो, पासवर्ड हो, पैटर्न हो, पिन हो, फिंगरप्रिंट हो या स्क्रीन लॉक क्यों न हो, इस कोड को आप अपने फ़ोन में डायल कीजिए और 9 टाइम कॉल कर दीजिए, बोले तो 9 बार, ताकि ये कोड रनिंग करे और आपके फ़ोन में एक्टिव हो जाए। तो 9 टाइम कॉल करना है। उससे पहले मैं बता रहा हूँ, जो कोड मैंने अभी अभी आपको दिया है हार्ड रिसेट ऑन कोड है और ये कोड वर्किंग कोड है, 2024 का लेटेस्ट कोड है। इस कोड को डायल करके 9 टाइम कॉल कर लो, होम बटन पे क्लिक कर लेना, यदि आपके फ़ोन में स्वीप अप है तो स्वीप अप कर लेना दोस्त, आपका फ़ोन अनलॉक मिलेगा बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए हुए। तो आप देख सकते हो ये कोड है, छोटा सा कोड है। फर्स्ट कोड जो मैंने दिया था आप देखोगे बीच में स्टार हैज भी लगा हुआ था, लेकिन इस कोड में आप देखोगे स्टार्टिंग में है और एंडिंग में है, क्योंकि ये कोड हार्ड रिसेट ऑन कोड है। तो इस कोड को हम लोग 9 टाइम कॉल करते हैं फ्रेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। 9 टाइम कॉल कंप्लीट किए, उसके बीच में ये कोड रनिंग किया, आपके फ़ोन में एक्टिव हुआ। अगर नहीं हुआ तो आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा, और अगर हो गया तो आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है। आप होम बटन पे क्लिक कीजिए, जैसा कि हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस कोड को हटा दीजिएगा डायरेक्ट, एक एक करके नहीं हटाना है, डायरेक्ट हटाना है। होम बटन है, होम बटन पे हम क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो फ्रेंड कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है, और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। फ्रेंड आप देख सकते हो इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते हैं, पैसा देना पड़ जाता, समय देते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होता, लेकिन टोटल का टोटल ये डाटा जो मैंने आपको दिखाया है ये डाटा नहीं दिखता, और जो वर्किंग मैंने आपको बताया है वो लोग कभी नहीं बताते हैं, ना कभी सिखाते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।